न्याय की गुहार लगाता आकांक्षा दुबे का परिवार। हम लोग इस समय भदोही में स्थित बरधां गांव में, और इस समय देखिए पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे, ये जो है कि आकांक्षा दुबे का पैतृक गृह है, और यहां पर आप देख सकते हैं और तमाम जो लोग हैं वो देखिए यहां पर पहुंचे हैं, मीडिया के बंधु भी हैं। थोड़ा सा हम इधर दिखाना चाहेंगे कि वही बचपन का दिन जहाँ पर जो है कि देखिए आकांक्षा दुबे इसी हैंडपम्प पर खेला करती थी, पानी पिया करती थी इसी हैंडपम्प पर। बगल में इनके देखिए तमाम जो है गौशाला हैं इनके, इधर भी देख पाएंगे, और गाय वगैरह हैं, तमाम चीज़ें हैं जो इनके यहाँ देखिए अभी छोटी छोटी ये सब गौशालाएँ हैं बगल में देख पाएंगे। और इनके अंदर जो है माता जी हैं, इनके पिताजी हैं, इनके भाई साहब हैं, जो भी लोग हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। तो जोड़ना चाहता हूं, जैसे होटल वाले ने कहा था कि आकांक्षा जी जिस दिन आई थी तो वो इतनी ज्यादा ड्रिंक की थी कि लड़खड़ाते हुए आ रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ऐसा कहीं नहीं लगता है, लग रहा है कि आकांक्षा जी है लड़खड़ा रही है, जो वो जा रही है एकदम अपने मतलब एकदम जैसे हो। तो वही तो मैंने प्रशासन से भी पूछा ना कि सर आपने जब मैं आपसे सीसी फुटेज मांगी तो आपने मुझे दिया नहीं, और फिर हम लोग जैसे ही घर पे जा रहे हैं वैसे ही सीसी फुटेज ये ओपन कैसे हुआ? या तो प्रशासन ने चालू कराया होगा या तो फिर होटल मालिक ने किया होगा। तो प्रशासन बोली देखो हम लोग के ये बारे में नहीं मालूम है, हम लोग ने नहीं कराया है, ये होटल वाला किया। तो उसके ऊपर भी मुझे बड़े साहब बोले कि ये भाई गलत है, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। माता जी ये कैसे वीडियो चलाया? माता जी आकांक्षा दुबे जी कितने सालों से भोजपुरी में काम कर रही थी? वो 17 साल, 2017 से, 5-6 साल पहले से 14 साल की उम्र थी वो, तब छोटा मोटा माने ये अपना डालती थी, पोस्ट करती थी, पोस्ट करती थी। माता जी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या फिर अभी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है पर मेरे पास नहीं अभी आई है, उन्होंने रखा है। तो प्रशासन के द्वारा आपको जानकारी दी गई है, पुष्टि हुई, लेकिन मुझे अभी नहीं वो बोले हैं, मुझे बोले कि बिस्तरा रिपोर्ट जब आएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। अच्छा माता जी उस दिन विधायक जी आए थे तो क्या आश्वासन देके गए हैं, क्या सदन में इस बात को उठाएंगे विधायक जी? हाँ वो मुझे वो भी आश्वासन देके गए हैं कि मैं आपको बेटी को न्याय दिलाऊंगा, कि वो उसको उसने हत्या नहीं किया है, उसको मारा गया है, ये साफ साफ दिख रहा है। आप लाइव जो आई मेरी लड़की उसमें देख लीजिए, जो भी उनका ये वीडियो कोई देखो फांसी लगा सकती हैं, तो लगाई है अपने से फांसी। तो जिस सिचुएशन में आपने देखा था तो क्या लग रहा था, क्या कायस लगा जा रहा? मेरी लड़की फांसी लगा ही नहीं सकती, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती। मेरी लड़की आत्महत्या क्यों करेगी? जब वो इतना दुख इतना तक इतना मुसीबत काटी तब तो उसने कुछ किया ही नहीं, आज वो जो मुकाम में पहुंचना चाहे वो मुकाम में पहुंच गई तो आत्महत्या कर लेगी। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि होटल भी जो होटल का मालिक है या जो मैनेजर है तो जो उनकी भूमिका है वो भी संदिग्ध है? हाँ यही है, होटल मालिक भी मिला हुआ है मैनेजर। अच्छा होटल मैनेजर मिला हुआ है, होटल का मालिक मैनेजर जो बोल रहा था कि पुलिस जब आई थी वहाँ पर चाबी खोल गई थी, उसको कैसे पता कि 2:30 बजे आई, 3 बजे उसका काम तमाम। और माता जी ये होटल मैनेजर ने बोला है 2:30 बजे आई, 3 बजे उसका काम तमाम। और एक मैडम, पहली बात ये प्रशासन से मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग तो यहाँ थे नहीं, बम्बई में थे, जब प्रशासन को पता चली कि लड़की ने आत्महत्या होटल में कर ली, किसने फोन किया क्या किया मुझे नहीं पता, मेरी लड़की को वहाँ गए तो जब मैं फोन लगाई प्रशासन को, मेरे पास फोन लगा के बोला पूछना चाहिए था मेरी लड़की को कैसे ऐसे लेके गए ढाला में डाल के, एक एम्बुलेंस नहीं कर सकते थे, पूछ सकते थे फोन करके प्रशासन मेरी लड़की को ढाला में किस कारण से उठा के लेके गई प्रशासन? लापरवाही, ये प्रशासन से मैं पूछूंगी, ये प्रशासन की गलती है, ये प्रशासन मेरी लड़की को ढाला में डाल के कैसे लेके गई, मुझे नहीं खबर दिया कि मेरे आपके, मैं फोन भी लगा रही थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं कर पाई, वही एक एक्टर मारी जानी उसको ऐसा उठा के ढाले में, मुझे तो पता ही नहीं। माता जी रिक्शा वाला और करेंगे, लोगों के द्वारा बताया जाता है जब होटल में गई है आकांक्षा दुबे जी तो उस समय जो है लाइट कट गई थी, लाइट कटी नहीं थी कट गई थी, हाँ वही तो लाइफ आई थी जी। वही लाइफ आई, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी आरोपी तो मुझे मैं बोले पकड़े थे, फिर मुझे बोले कि मैं पूछताछ करके छोड़ा हूँ, अभी मेन आरोपी जो आपका है संजय सिंह और समर सिंह ये दोनों पकड़े जाएंगे, उससे बात हुई है, वो लोग फिर मैं खींच के लाऊंगा। एक मीडिया में बात उठ रही जो अनुराधा सिंह है, हाँ वो भी हाथ है, मतलब उसका भी हाथ है, उसका भी हाथ है, हाँ क्योंकि वो आई, वो मेरी लड़की का टेट बॉडी जबरदस्ती जलवाई है। अच्छा जबरदस्ती जलवाई है, सब ये हुआ है। हाँ मेरे सामने जबरदस्ती, मैं रोक रही हूँ उसको। अच्छा जब ये इनका फोन आया और निशा पांडे का मैं तो बेहोश थी, मैं तो समझो एकदम बेहोश थी, पागल थी, लेकिन उसको तो होश था, बोलती थी मेरी लड़की को मेरी बहन है मेरी जान है, तो
वो बैठ के वहाँ पे वो जल्दी जल्दी मेरे पास फोन आया, मैं रिक्शे पर से उतरी, रोक रही हूँ रोको रोको, तो मेरे हाथ से मोबाइल लेके फिर निशा पांडे को शायद गाली वाली दी, और मेरा भी मोबाइल अपने हाथ में ली, और मेरे लड़के का भी मोबाइल। हाँ वो बोली है निशा, बोल रही तो कुछ बोली है उनको, हाँ, और मेरा भी मोबाइल अपने हाथ में ले ली, तब से मेरे हाथ में नहीं दी, और मेरे लड़के का भी मोबाइल अपने पास रखी, और मैं मुझे बोलती बैठो यहीं पे मैम, मैं बोली मैं अपनी रनिया को जलते हुए नहीं देख सकती, आए और वो वहीं पे बैठ के विधिवत जलते हुए देख रही है, और वीडियो कॉलिंग पे समर सिंह से बात भी कर रही है, उसको लाइव दिखा रही है वीडियो, समर सिंह को ये देखो जल रही है, समर सिंह को दिखा रही है, और उसके साथ में एक और था मनोज करके लड़का, हाँ ये सब साथ में गए थे। अच्छा। लाइव वीडियो उसको समर सिंह को दिखा रही कि देखो जल रही है, तो हाथ नहीं है तो क्या है, मैं तो सोची कि मेरी रनिया के लिए मुझे मदद के मेरे पास आई, उसने ही मुझे पहला फोन किया कि वो सुसाइड कर ली, मुझे और किसी से नहीं पता चला, फोन मोबाइल मिला था कि नहीं, इसका मेरी लड़की का अभी नहीं, अभी प्रशासन के पास है मेरी।